ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सो दैट व्हाट लाइज़ विद इन में। और आज हम बात करेंगे, वर्णन करेंगे 13 अप्रैल, 13 अप्रैल के ईश्वरी वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम आकर्षण मूर्त आत्मा बने, ताकि जो आत्माएं दुखी हैं, जो आत्माएं उत्तर ढूंढ रही हैं अपने जीवन में, उनके दुखों को हटाने के लिए, उनके जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए, वो पाने के लिए वो जो ढूंढ रही हैं, जिस आत्माओं को ढूंढ रही हैं, उस सोर्स को ढूंढ रही हैं जहाँ से उनको ये ज्ञान मिले, उसके लिए हम तैयार हो जाएं, ताकि जब वो ढूंढ रही हों तो हम वो चमकते हुए सितारे, चमकती हुई आत्माएं, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्मों के द्वारा वो आकर्षित हो जाएं और परमात्मा से उनका लिंक जुड़ जाए। तो देखिए, परमात्मा कहते हैं कि आज के ईश्वरी वरदान के टाइटल में बाबा कहते हैं, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा, स्पिरिचुअल आकर्षणमय स्थिति द्वारा, सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। एक हो गया जिस्मानी आकर्षण, धन दौलत का आकर्षण, रूप रंग का आकर्षण, और फिर परमात्मा कहते हैं एक होता है रूहानी आकर्षण, जिसमें कि आपके सोच, आपके बोल, आपके कर्म इतने पवित्र हों कि और आत्मा आपको देख के बोलें कि अच्छा, ऐसे भी जिया जा सकता है इस कलयुग के जीवन में, इतने साधारण तरीके से भी रहा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं, रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। जब आत्माएं दुखी हैं, लेकिन अगर हम उस तरीके से उनको अंजलि देने वाले तैयार ना हों, तो ज़रूर यही बात है कि वो आत्माएं सब भटकती रहेंगी, उनको सही ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम स्वयं तैयार हो जाएं, अगर हम गहनों से, ज्ञान के गहनों से, ज्ञान के अलंकारों से, अगर हम कंप्लीटली सजे धजे हों और शक्तियों से सजे धजे हों, तब जा करके आत्माएं हमसे आकर के पूछेंगी, क्या करें आप, कैसे इतने सुखी रह सकते हैं कुछ ना होते हुए भी, आप कैसे इतने शांत रह सकते हैं, आप कैसे इतने संतुष्ट रह सकते हैं अपने जीवन में। तो उसके उत्तर तभी निकल पाएंगे जब हम उस अवस्था में होंगे। तो बहुत आत्माएं ढूंढ रही हैं इनके उत्तर। फिर बाबा कहते हैं, तो ये नहीं है कि आप कह सकते हो कि सेवाएं नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं, इसलिए वो शब्द निकलते हैं। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। अगर हमारी स्थिति आकर्षण में नहीं है, रूहानी नहीं है, तो हम यही कहेंगे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, लोग अभी तैयार नहीं हैं। ये सब कुछ हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम और को बताएं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे अंदर है, औरों के अंदर नहीं। फिर बाबा कहते हैं, जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो परमात्मा एक चुंबक का उदाहरण दे रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं और उनको उनके जीवन के प्रॉब्लम्स के उत्तर मिल जाएं, उनको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, उनको पता चल जाए कि कैसे आप भौतिक दुनिया में रहते हुए, भौतिक चीज़ों के साथ में रहते हुए भी आप सुख शांति में रह सकते हैं, एक मिडिल पाथ। फिर बाबा कहते हैं, यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। तो ये रूहानी सेवाधारी बनना कैसे है, कैसे हम अपने जीवन को सुधार पाएं, ताकि और आत्माएं भी हमें देख करके, आकर्षित होकर के, जिस्मानी आकर्षण नहीं लेकिन रूहानी आकर्षण से खींचती हुई आ जाए। इसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक चुंबक की तरह और आत्माओं का मार्गदर्शन कर पाएं। और अगर आप उस प्रकार की आत्माएं जो कि औरों के दुख को देख करके आपको चैन नहीं मिलता, आप चाहते हैं कि औरों के दुखों को मिटाएं, औरों के जीवन में जो पीड़ाएं उनको मिटाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।